की पेंटिंग देखी, क्या कहना चाहेंगे सर? कौन सी भाषा में बात करना चाहूँगा, चाहेंगे आप हिंदी इंग्लिश? हिंदी। ओके सर, क्या कहना चाहेंगे आज की पेंटिंग जो आपने देखी, एकदम यूनिक तरीके की पेंटिंग है, बहुत सारे अवार्ड भी जीते हैं सर ने, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज की पेंटिंग ही सिर्फ यूनिक तरह की नहीं है, ये आर्टिस्ट ही यूनिक है, ये मास्टर डिज़ाइनर है, ये दिल्ली में जो 26 जनवरी को जो झांकियां बनती है अलग अलग, वहाँ से उनकी जो जर्नी अलग अलग शुरू हुई है और उनको इतने अवार्ड्स है। पेंटिंग के लिए एक यूनिक पेंटिंग है जो बनाई है, जिसमें 12 कॉम्बिनेशंस है अलग अलग, तो ये दिन ही यूनिक है। और यूनिक ये है कि जहांगीर आर्ट गैलरी आज 11 महीने बाद लॉकडाउन खुला है और ये पहला शो है, वो भी यूनिक है। और आज बसंत पंचमी है, ये भी एक यूनिकनेस है। तो ये सारा जो बड़ा कॉम्बिनेशन आज आया है, मिलाप हुआ है, ये सारा यूनिकनेस से भरा हुआ माहौल और इनकी जो पेंटिंग है अलग अलग स्टाइल्स की, जैसे कि वहाँ लॉकडाउन पेंटिंग में उन्होंने एक लॉग दिखाया है, उसमें अलग अलग सिंबॉलिक कलर्स यूज़ किए हैं, सिंबॉलिक एलिमेंट्स यूज़ किए हैं, उसको डाउन भी किया है और उसमें एक स्पिरिचुअल टच दिया है। तो ही इज़ अ मास्टर ऑफ हिज क्राफ्ट और इनके बारे में, इनके आर्ट के बारे में जितना भी कहा जाए वो कम है। विभूति अधिकारी एक ऐसी आर्ट में हस्ती है जिन्होंने अपना नाम खुद कमाया है और एक अच्छे बड़े टॉप मोस्ट कलकत्ता के कॉलेज से, विश्व भारती से, यूनिवर्सिटी से इन्होंने आर्ट पढ़ी है और अपना जर्नी जो दिल्ली में शुरू किया उसको आज जहांगीर में एक पिक पे आया है। और मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा और कोशिश करेंगे हम लोग कि ये मुंबई में जो पहला शो हुआ है लॉकडाउन के बारे में, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए, लोगों को यहाँ तक लाए। मैं अजय सर का भी थोड़ा सा उनको चाहूँगा कि वो भी उन्हें हेल्प करे, अपने जो आर्ट बायर्स मित्र है, क्योंकि अजय रुहिया जी सारे बड़े बड़े आर्ट बायर्स को, आर्ट कलेक्टर्स को जानते हैं। आर्ट बायर्स, आर्ट कलेक्टर जाने दिए, आर्ट लवर्स भी आ गए, वो भी बहुत है, क्योंकि जहांगीर नहीं शुरू हुई है, हमें ये कोशिश करनी होगी। और मुझे गारंटी है कि पीपल विल स्टार्ट कमिंग आउट ऑफ हाउसेस इन द गैलरीज। दिस इज हैपनिंग आफ्टर 11 मंथ्स, यूनिक शो। आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट हिम अगेन। थैंक यू वेरी मच।